ओके सो हे गाइस वत्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस न्यू फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना एंड गाइस वीडियो का आप लोग बिल्कुल कंप्लीट देखना। बाकी आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप सबको समझा दूंगा कि आपको कौन सा बैकग्राउंड कहाँ यूज़ करना है एंड कौन सा पीएनजी कहाँ यूज़ करना है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड गाइस मैं आजकल यार फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यार मेरे घर में थोड़ी सी मतलब कि जगह की जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि जिस जगह मैं वीडियो बना देता हूँ वहाँ पर थोड़ा सा काम आ गया, इस वजह से मैं आजकल यार फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो गाइस अभी कुछ दिनों बाद से आपके लिए फेस कैम वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो यार आप सभी को अपनी फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन करना है, देन गाइस आपको उसका बैकग्राउंड रेज करना है एंड गाइस बैकग्राउंड रेज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉ टूल का। तो गाइस आपको क्या करना है यहाँ पे आप सभी को अपनी फोटो को लेकर जाना है ड्रॉ टूल में, आपको फिर अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आना आपको रेजर टूल में। आपको गाइस यहाँ पे साइज छोटा रखना है एंड जो हार्डनेस होगी इसकी जो हार्डनेस होगी आपको उसको रखना है 90 तक एंड उसके बाद आपको फिर यहाँ पे सिंपली सेट कर देना है एंड यहाँ पे अपनी फोटो को जूम करना है एंड यहाँ पे आपको उसको फटाफट से रेज कर लेना है। तो गाइस मैं वीडियो को थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता उन भाई के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 से 3 वीडियो की लिंक दे रखी है, आपको उनमें से जो वीडियो देखनी हो वो देख लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाकी मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको अपने आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये लेना गाइस जिसका भी आपने कटआउट किया था, आपको सिंपली उस फोटो का ऐड करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे साइज को कुछ ऐसे ही बड़ा करना है पहले, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है आपको देखना है कि मतलब कि ओपेसिटी कम करके चेक करते रहना है कि आपका जो मॉडल है वहाँ पे फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि गाइस आपको पहले से साइज बड़ा करके आपको कुछ स्टेप्स से यहाँ पे साइड में लिया है अपने मॉडल को एंड उसके बाद देखिए हार्डनेस को कम ओपेसिटी को कम कर लेना है एंड ओपेसिटी को कम करने के बाद गाइस आपको कुछ स्टेप से जो है साइज मतलब कि आपको ये देखना है कि जो आपका मॉडल है ना वो आपके जो ये जिस पे गुरु रंधावा जिस पे बैठे हुए हैं ये तख्त के ऊपर, आपको उसको सिंपली इसके ऊपर पीछे की तरफ कर देना है, ठीक है। एंड इसको आपको मॉडल को जो आपको यहाँ पे साइड में एकदम कोने की तरफ रखना है एंड बाकी आपको ओपोसिटी फुल करके चेक कर लेना, अगर यहाँ पे फिक्स हो जाए तो फिर आपको रेजर टूल में जाना, आपको उसकी हार्डनेस फुल कर देनी है, ठीक है। एंड मतलब कि ओपोसिटी तरह कम ही रखना क्योंकि जब भी तो पता चलेगा ना कि हमें कैसे रेज करना है, तो ओपोसिटी हम यहाँ पे कम कर लेते हैं एंड अब इसको हम दोबारा से कम कर लेते हैं। अब उसको हम रेजर टूल में जाकर इसको हम फटाफट रेज करते हैं, तो यहाँ पे हार्डनेस फुल रखेंगे एंड साइज जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तो अभी हम इसको यहाँ पे फटाफट रेज करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि जो बाउल है आपको इसको यहाँ पे रेज कर लेना एंड जो यहाँ पे साइड में जो ये कट इसका तखत का जो हिस्सा है इसको रेज कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम फटाफट करते हैं यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। सो बस फाइनली हमारा जितना ही रेज करना था हमने सब कुछ कर लिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली इसका डन करके यहाँ पे ओपोसिटी फुल करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपका करना आप सभी को आप यहाँ पे अपनी इस फोटो का पे सिंपली आप डन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना आपको जाना दोबारा एड फोटो में। सो यहाँ से हम दोबारा एड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से एड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली एक ब्लैक कलर की शीट है इसको ओपन करना है एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से रेजर टूल में, ठीक है। तो हम यहाँ से रेजर टूल में जाएंगे एंड इसको यहाँ पे कर देंगे इन्वर्ट एंड ब्रश लेंगे, आपको उसका साइज थोड़ा छोटा कर देना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसे ब्लैक ड्रॉ करना है, ब्लैक लाइन सी जो है इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये जो हम शेडो बनाएंगे इससे यहाँ पे थोड़ी सी, तो क्योंकि यार शेडो बनाएंगे तभी तो थोड़ा रियल लगेगा ना फोटो, तो उसको हम डन करते हैं एंड इसकी ओपोसिटी हम यहाँ पे कम कर लेते हैं अराउंड के रखते हैं 34 तक एंड उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका सैचुरेशन मैनेज करना है दोनों मॉडल का। तो हम जाएंगे टूल्स में फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन, आपको सैचुरेशन कम करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है रेजर टूल में, आपको उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको ये करना है, आपको अपने मॉडल नहीं गाइस मॉडल अपने मॉडल के ऊपर नहीं, आपको अपने मॉडल के ऊपर नहीं करना है क्योंकि आपको जो सैचुरेशन है दूसरे मॉडल का वो आपके मॉडल जैसा करना है। तो आपको यहाँ पे गुरु रंधावा का जो है सैचुरेशन आपको उसको माइनस करना है। तो हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसमें पेंट कर देते हैं सिंपली, ठीक है।
तो कैसे आप देख सकते हैं जो हमारे दोनों मॉडल हैं, ये दोनों के सेचुरेशन जो अब मैच हो चुके हैं। तो इतना आप सभी को ऐसे ही करना, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको ग्रोन दवा का जो सेचुरेशन है कम करना है, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर ये करना, आप अपनी फोटो को यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है एंड का जिसको लेकर चलना है लाइट रूम मैप में। लाइट रूम मैप में ले जाने के बाद गैस आपको सिंपली स्लाइड वाला ऑप्शन में जाना है। आपको गैस इसका जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गैस आपको सिंपली इसको कम करना है। यहाँ पे गैस आपको हाईलाइट मिलेगा आपको उसको थोड़ा कम करना है। आपको यहाँ शेडो मिलेगा गैस आपको शेडो इंक्रीज करना है, ठीक है, शेडो इंक्रीज करना है। यहाँ पे मिलेगा आपको वाइट कम करना है एंड जो ब्लैक है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर गैस आपको जाना है ऐसे कलर्स में, आपको यहाँ पे गैस वाइब्रेशन बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना है ताकि यार ब्लू टोन आ जाए फोटो में। फिर आपको जाना है कलर मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है एंड ल्यूमिनस आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है। फिर आपको जाना है ग्रीन कलर में, आपके पीछे देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो पार्क है ग्रीन है तो हम इसको यहाँ पे येलो कर देते हैं एंड आप चाहो तो ग्रीन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर ब्लू कलर में जाने के बाद आपको सैचुरेशन माइनस कर देना है अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो, और चाहिए होगा तो प्लस कर देना। फिर आपको जाना नीचे वाला टूल में, आपको हमें फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में डाल देना आपको हल्का सा विग्नेट। फिर इतना कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ाना है एंड जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है। इसके नीचे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, आपको उसको बढ़ाना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले गए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।